बेटी गांव स्थित ब्रजस्थली एकेडमी में विश्वविख्यात जादूगर आकाश तिवारी के जादुई करिश्मे के बीच छात्र संसद का गठन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे, मथुरा वृंदावन नगर निगम के उप महापौर मुकेश सारस्वत, नगर अध्यक्ष विनीत शर्मा एवं राजीव तिवारी ने संयुक्त रूप से विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर जादूगर आकाश तिवारी के जादुई अंदाज में फीता काट कर किया। रंगारंग एवं हैरत करने वाले कार्यक्रम ने दर्शकों एवं छात्र छात्राओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जादूगर के द्वारा कोरे कागज से हजारों नोट बनाना, मुंह से सैकड़ों ब्लेड निकालना, लड़की को हवा में उड़ाना आदि जादू का करिश्मा दिखाकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। तत्पश्चात जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे एवं उप महापौर मुकेश सारस्वत ने हरेंद्र प्रताप को संस्था का छात्र प्रधानमंत्री, अभिषेक को उप प्रधानमंत्री, जिज्ञासा को शिक्षा, तनुज को खेल, प्रतिमा को अनुशासन, काजल को खाद्य, मुकुल को स्वास्थ्य, दुर्गेश को विज्ञान, अंश को जल, दुष्यंत को परिवहन, निशांत को संस्कृति, दीपांशु को कम्युनिकेशन आदि मंत्रालय के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों ने विशाल केमिस्ट्री एवं उच्च स्तर के कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पूजा सोनी, कीर्ति चौहान, युगल लवानिया, स्नेहलता रावत, मनोज मुगदल, एंडी शर्मा, देवदत्त शर्मा, पारुल शर्मा आदि शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। संस्था के प्रबंधक डॉक्टर कुलदीप लवानिया, प्रधानाचार्य बीडी शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप लवानिया ने आए हुए अतिथियों को विद्यालय का स्मृति चिन्ह देकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के उप प्रधानाचार्य ललित भारद्वाज ने किया। सही है, सही है। क्या बताया तुम हमें, क्या है? क्या बताया सर ने मेरे मुंह के अंदर, क्या है? कुछ नहीं। अब जो आइटम करने जा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पानी का ग्लास चेक करा दिया, शेप बनाने का ब्रेड चेक करा दिया और अपना मुंह चेक करा दिया। थैंक यू सर, बैठिएगा। अब देखिए आइटम जो करने जा रहा हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अपने नगर निगम के अपने उपनेता हैं और अपने विनीत जी के साथ में आज अपना जो ये ब्रजस्थली एकेडमी है, यहाँ पर अपना जो छात्र संसद का चुनाव हुआ जी, उसमें हम सब उनका एक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ रहा। उसमें हम सब लोगों को इनवाइट किया। आमंत्रण के लिए मैं आदरणीय लवानिया जी का और आदरणीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी आदरणीय बी डी शर्मा जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाया और सबसे प्रमुख बात यह है कि ग्रामीण अंचल में इतनी अच्छी शिक्षा देना और इतने संस्कारित बच्चों को तैयार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती भी है और महत्वपूर्ण कार्य भी है जी। क्योंकि शहरों में जो व्यवस्थाएँ होती हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ, इतना अच्छा सेटअप, अभी हम कंप्यूटर लैब हमने लोगों ने देखी, केमिस्ट्री लैब देगी, फिजिक्स उसकी बायो की लैब देगी, इतना अच्छा आधुनिकीकरण की लैबें हैं जिनके कारण से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो जितने भी शिक्षार्थी हैं उनको सबको लाभप्रद हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से विद्यालय के प्रबंधन, विद्यालय के शिक्षक शिक्षार्थी और जितने भी अपने शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, अपने शिक्षार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए और संस्था के उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रात और दिन रात चौगुनी ये तरक्की करे, ऐसा हम सब विश्वास है।